हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते हैं कि भगवान को जो सबसे प्यारा होता है भगवान उसको जल्दी अपने पास बुला लेता है। फिर हम सितारों में उसको देखते हैं। 2021 के शुरुआती दौर में लगा था कि सब सही हो गया है, जिंदगी शायद पटरी पे लौट आई है। कम से कम ये एहसास तो हो ही गया था कि अब 2020 यानी कि 2020 वाला कहर ना होगा हमारी ज़िंदगी में। लेकिन आज फिर एक ऐसी न्यूज़ आई जो पूरे दिन को सैड बना गई। शुक्रवार का दिन था और लगा कि आज काम जल्दी जल्दी निपटा लूँगा और शाम को घर को निकल जाऊँगा। वीकेंड जो था तबीयत भी थोड़ी नासाज लग रही थी। अक्सर जैसे होता है वीकेंड में काम करने का ज़्यादा बोझ नहीं होता। आराम से ऑफिस में बातों के बीच हल्का फुल्का काम कर रहा था कि 11:30 यानी कि 11:30 बजे होंगे शायद यही टाइम था। साथ वाले साथी ने कहा कि चलो जूस पी कर आते हैं। जैसे ही नीचे गया वहाँ लोगों को थोड़ा लेक्चर दिया मास्क पहनने को लेकर एंड ऑल। काम ही ऐसा है ना एंकर का, तो आदत सी हो गई है हर काम में टांग अड़ाने की। जैसे ही ऊपर वापस आया तो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे दोस्त ने बताया कि रोहित सरदाना नहीं रहे। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जल्दी से ट्विटर खोला, न्यूज़ चैनल्स देखे, लेकिन पक्की न्यूज़ नहीं आ रही थी। हालांकि एक बार उनसे मुलाकात हुई थी मेरी बहुत साल पहले जब हम स्टूडेंट थे। तब उन्होंने बताया था कि वो तो हीरो बनना चाहते थे बट अचानक से न्यूज़ इंडस्ट्री में आ गए। खैर मन बहुत विचलित हो रहा था कि बार बार उनकी न्यूज़ देखने का मन कर रहा था, ट्वीट्स भी देख रहा था, लेकिन कुछ जगह से न्यूज़ फेक आने का भी डर लग रहा था। बट फाइनली हमारे ग्रुप में SMS आया कि न्यूज़ ऑथेंटिक है, मींस रियल है। एक बार तो रूह कांप सी गई। इतना जिंदा दिल आदमी चला गया। कुछ दिन पहले तक लोगों के लिए ट्वीट कर रहे थे कि इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको रेमडेसिविर चाहिए। खैर अब क्या ही बात करूं उनकी ज़िंदगी के बारे में। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त उनके बारे में लिखना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा गला भी भर आया है। लेकिन कुरुक्षेत्रा में जन्मे इस लड़के ने वो कर दिखाया था जो आजकल के बच्चे सपने देखते हैं। इन्होंने अपनी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से की। उसके बाद इन्होंने जी न्यूज़ ज्वाइन कर लिया, लेकिन सफलता हाथ लगी इनके प्रोग्राम टाल ठोक दो के लेकर, जिसने इनको रातों रात देश का प्रमुख चेहरा बना दिया। 13 साल जी न्यूज़ साथ काम करने के बाद उन्होंने आज तक को ज्वाइन किया क्योंकि इनका मानना था कि ठहरे हुए पानी खराब हो जाते हैं और जगह बदलती रहनी चाहिए, बाहर निकलना भी जरूरी है। ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हिंदुत्व के पक्षधर रहे हैं हमेशा, क्योंकि उनका मानना है कि मैं हिंदू हूँ तो हूँ, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू हूँ, अब इसमें मुझे छवि बनाने की जरूरत थोड़ी ना है। उनकी ये बात सबसे अच्छी है कि वो हिंदी में ज़्यादा बात करते थे और एंकर्स की तरह ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं करते थे। शायद यही चीज़ उनको आपके साथ जोड़े रखती है। खैर यहाँ बात हो रही है एक ऐसे शख्स की जो थिएटर करते करते न्यूज़ एंकरिंग में आ गया। मात्र 42 साल में कोई शख्स अलविदा कह दे, अपनी दो छोटी बच्चियों को छोड़ जाए, तो सोचो कैसा मंजर होगा उस घर का। कोविड ना सिर्फ गरीब बल्कि प्रभावी लोगों को भी निगल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। जाते जाते वो अपनी को एंकर्स को बोल के गए थे कि जल्दी आऊँगा, फिकर मत करना, लेकिन नहीं लौट पाए। तुम जल्दी ठीक होके आ जाना, इस साल की 2 मई को तो आ जाऊंगा। अच्छा 29 को आ जाऊंगा, 30 को आ जाऊंगा। कोविड कोरोना एक और प्रभावी इंसान को निगल गया। कैसे भुला पाएंगे हम उस शख्स को जो आज तक पर दंगल लेकर आता था, जो इंसान अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ फोटोज शेयर करता था। वो इंसान अब हमें दोबारा नहीं दिखेगा। भगवान उनके परिवार को ये अत्यंत दुख सहने की हिम्मत बख्शे। आप भी प्लीज़ कोविड यानी कि कोरोना को हल्के में ना लें, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ज़िंदगी में दूरियां भी ज़रूरी हैं। जो लोग पहले घर बैठते थे उनको हम नकारा कहते थे, लेकिन आज सिर्फ वही लोग
समझदार कहला रहे हैं। स्टे सेफ, स्टे एट होम। बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप लोग प्लीज़ अपने अपने घरों में अपने अपने को बचा कर रखें। धन्यवाद।